Bismillahirrahmanirrahim. Class 7, subject mathematics. Topic proportion and unitary method. Solve the following problems by unitary and proportion methods. The price of 15 chairs is 45 rupees. Find the price of such 20 chairs. 15 chairs ki keemat hai 4500 aur main aapko bataunga ki 20 chairs ki keemat kitni hogi. Wo hum hal karenge proportion methods एंड यूनिटरी मेथड. अगर हमारा इन दोनों से आंसर सेम आया तो मतलब ये हमारा मेथड दोनों हमारे प्रूव हैं, सही हैं. अब प्रोपोर्शन मेथड, लेट अस एट 20 चेयर्स बी एक्स रुपीज, चेयर्स 15 45 रुपीज, 20 चेयर्स एक्स. एक्स हमें मालूम करना है. हम इसको प्रोपोर्शन और एक्सट्रीम मेथड से हल करेंगे. ये हमारा जो होगा मीन होगा और ये हमारा क्या होगा एक्सट्रीम होगा. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x इक्वल टू 20 इंटू 45. x या मल्टीप्लाई है या इसको डिवाइड करेगा. जब इसको डिवाइड करेगा तो 15 × 45 × 3 = 6000. हमारी 20 चेयर्स की कीमत आई मतलब कितनी 6000. ठीक है, ये हमारा कौन सा मेथड हुआ प्रोपोर्शंस मेथड. अब इसी प्रॉब्लम को हम यूनिटरी मेथड से के जरिए हल करेंगे. देखते हैं क्या दोनों मेथड हमारे दोनों मेथडों के जरिए हमारा जो आंसर आया है वो सेम है. आइए हम आपको मैं बताता हूँ यूनिटरी मेथड के बारे में. द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स इज 45 रुपीज, द प्राइस ऑफ वन चेयर इज 45 × 15 = 30. अब जो हमारे पास एक चेयर की कीमत आ गई कितनी 300 रुपये. ठीक है, 300. द प्राइस ऑफ सच 20 चेयर्स, अब हम मालूम करेंगे 20 चेयर्स की कीमत. 20 × अब एक किलो चेयर की कीमत कितनी है हमारे पास 300. जब हम 20 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6000. तो अभी हमारे दोनों मेथड प्रूव हो गए. प्रोपोर्शन मेथड, द प्राइस ऑफ 20 चेयर इज 6000 एंड यूनिटरी मेथड द प्राइस ऑफ 20 चेयर्स इज 6000. तो अब हमें ये मालूम हुआ, यहाँ से हम ये सीखे कि हमारे एक प्रॉब्लम दी गई थी जो थी जिसकी 15 चेयर्स की कीमत थी 45 रुपये. ठीक है, और हमें मालूम करनी थी 20 चेयर की कीमत. तो हमने जब प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड से हल किया तो हमारा हमने देखा कि दोनों मेथडों से में हमारा आंसर सेम आया. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. थैंक यू.